मैं आज सेंट्रल जेल को आया हूँ हमारे MIM पार्टी के जो दो कॉर्पोरेटर्स को मेंबर्स को जो अरेस्ट किया गया है उनकी फैमिली के साथ मैं मुलाकात किया हूँ और मैं उनको हिम्मत दिलाया हूँ और वो खुद बाहिम्मत हैं। इन दोनों को जो गिरफ्तारी हुई और जो दूसरे जो लोगों के नाम FIR में डाले गए वो तमाम के तमाम इल्जाम झूठ पर मुबन्नी है और उस वीडियो को सारी दुनिया ने देखा कि इन बहादुर बच्चों ने मुतालिका रुकनी असेंबली से कंसर्न MLA से डेवलपमेंट के बारे में उनको पूछा और इंस्पेक्टर खुद वहां सामने खड़ा हुआ है। ना तो वो लोग कोई वल्गर लैंग्वेज इस्तेमाल किए ना उनको कोई गाली दिए, उसके बावजूद भी इन बच्चों के ऊपर 307 लगाना, कॉन्स्पिरेसी लगाना, ये सरासर गलत है, जुल्म है। और इसका खैमियाजा जो है जब असेंबली के इलेक्शन होंगे उसका नतीजा इनको देखना पड़ेगा, जब क्योंकि आज गुरूर और तकब्बुर में डूबकर आप गैर जरूरी मासूम लोगों पर उनको अरेस्ट कराए और अगर उनकी बेल नहीं हुई तो ईद भी वो लोग जेल में मनाएंगे। और जो लोग इन पर एक्शन लिए हैं, जो झूठा इल्जाम लगाए, वो तो ईद की खुशियां मनाएंगे, मगर इनके पूरे अफराद खानदान आज परेशानी में है और बोधन की आवाम इस इकदाम से बहुत नाराज है। और अफसोस की बात तो यह है कि जो जिन बच्चों पर केसेस बुक हुए जो जेल में है वो तो पिछले असेंबली इलेक्शन में इनके लिए काम किए थे और मोहतरमा कविता के लिए दो पार्लियामेंट इलेक्शन में काम किए, तो उसका सिला आज ये देखना पड़ रहा है। तो खैर आज कर रहे हैं, मैं साथ ही साथ मैं तो हमारे DGP साहब से CM साहब से ये बोलूंगा कि बोधन के जो SHO है और ACP है उनको आप हैदराबाद में साउथ जोन में उनको आप डाल दो, हमारे हैदराबाद पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में उनको ला के रख दो, अच्छा काम या अच्छा काम वहां करने दो। आगे उनको गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करेंगे कि इनको यहां से निकाल के वहां ला के डाल दीजिए, अच्छा रहे। हम देखेंगे, काफी इनके चर्चे सुन रहे हमारे SHO साहब या कोई पुलिस के ऑफिसर अलाहाबाद में जो एनकाउंटर हुआ उन्होंने उस तरह की बात करते हैं तो लगता है माशाल्लाह बहुत ज्यादा उन्होंने एक्टिव है। ऐसे एक्टिव लोगों को हम तो बोलेंगे DGP साहब CM साहब, उनको हैदराबाद में आजकल बहुत खतरा हो रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं, तो उनको वहां लाके डाल देना अच्छा रहेगा। यहाँ कहीं को बोधन में खामक हो, हैदराबाद में कैपिटल ऑफ तेलंगाना लाके डाले तो उन्होंने अपनी काबिलियत दिखा सकते वहां। मगर जो भी हुआ गलत हुआ और इसका नतीजा बोधन की आवाम इलेक्शन के दौरान जवाब देंगे, बिल्कुल गलत हुआ, हम इसको कंडेम करते। और MIM पार्टी अपने पार्टी के मेंबर्स को ना कभी भूली ना कभी भूलेंगी, हम इसको याद रखेंगे। गोधन का रेप केस तो हाईली कंडेमनेबल है और एक तरह से गवर्नमेंट से तो सैंक्शन करा देना था, जैसा 307 बुक कराए वैसा एक 30 लाख का ऐलान करा देना था गवर्नमेंट से। खाली केसम बुक कराने में माहिर है, वो बेचारी बच्ची का रेप हो गया, फौरन गवर्नमेंट से कुछ कराना था। हम गवर्नमेंट से डिमांड करते कि उस बच्ची की फैमिली को फौरन उनका हेल्प करे और एक स्पेशल कोर्ट में वो केस चलने की जरूरत है। खाली केस बुक हो गया आज उसके बाद लोग भूल जाते, एक स्पेशल कोर्ट में उसको केस डाल के जल्द से जल्द जितना कानूनी तौर पर हम जल्दी कर सकते हैं उसमें पॉसिबल जो है उनको सख्त सजा दिलाना, उसमें जो IPC सेक्शन में जो है। अफसोस है कि दरिंदगी हैवानियत की एक मिसाल है और बरसर इकदार पार्टी को भी सोचना चाहिए कि उनके पास कैसे लोग जमा हैं, आज कैसी हरकतें कर रहे हैं। और ऐसा है ना, मियाँ बी के ताल्लुक अच्छे आप अपने ताल्लुक को नहीं मालूम, भाई बहन के रहते।
अब ये तालुकात अच्छे थे, देख लिए ना वो बच्चे तो पूरा काम करे उनके लिए, ये बच्चे पूरा उनके लिए काम किए, मोहतरमा कविता के लिए जो पार्लियामेंट इलेक्शन में काम किए, उनके फैमिली मेंबर्स, उनकी वालदा है ना, वालदा बोल रहे हैं, समीर के बारे में बोल रहे हैं, ये बच्चों के बारे में बोल रहे हैं, कितना मोहतरमा कविता के लिए कितना दिन रात काम किए उन्होंने, और उनकी अम्मा बोल रहे हैं कि देखो ये नतीजा निकला हमारा, ठीक है आज आप इख्तदार में हैं। और कुछ सवाल पूछना है आपको? नहीं सर, कुछ भी नहीं है ना, आप तो, कुछ बोले मैंने आपको कुछ पूछा पे अगले इलेक्शन में हमारे कैंडिडेट रहेंगे कहाँ कहाँ रहेंगे आप इलेक्शन से पहले बताएंगे, रहेंगे हमारे कैंडिडेट्स रहेंगे कहाँ किधर से रहेंगे कितने असेंबली कौन से लड़ेंगे मतलब लड़ेंगे बताएंगे आपको इलेक्शन से पहले बताएंगे।